आपने मेरे पहले वीडियो में देखा है कि सेट किसे कहते हैं और सबसेट्स ये आपने देख चुका है। आज हम लोग सीखेंगे कि पावर सेट किसे कहते हैं। पावर सेट जानने से पहले हमको जानना होगा कि किसी भी सेट का सबसेट कितना होता है, तो उसके लिए हम लोग देखें कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है। मान लेते हैं कि सेट ए हमारे पास है जिसका कार्डिनल नंबर है एन। कार्डिनल नंबर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इट इज रिटन या रिप्रेजेंटेड बाय एन ए। सो लेट कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एन, इसका मतलब है सेट ए में मान लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एन। देन नंबर ऑफ सबसेट्स, इस सेट के जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो क्या होगा, इज इक्वल टू 2 to the power n। एक तरह का फॉर्मूला है जिससे आप कंफर्म हो सकते हैं कि किसी भी सेट के कितने सबसेट्स होते हैं। इस अगर आप ये कंसेप्ट जान रहे हैं तो आप एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉब्लम नंबर 3 आप आसानी से बना सकते हैं। उसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेट ए में 1, 2, 3 ये तीन एलिमेंट है तो इसके सभी सबसेट्स लिखने हैं। यदि आपको पता नहीं है कि इसके कितने सबसेट्स होंगे तो आप कंफ्यूज होंगे और आपको समय ज्यादा लगेगा कि हम इसके कितने सारे सबसेट निकालें, कहीं हम कम तो नहीं निकाले या कहीं ज्यादा तो नहीं निकाल दिए, गलत तो नहीं निकाल दिए। इसलिए उसके लिए जरूरी है इस चीज को जानना कि सबसे पहले सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है। तो कार्डिनल नंबर एन ए, इसमें काउंट के टोटल एलिमेंट है 3, तो एन ए इक्वल टू 3। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला लगाए, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 to the power 3। 2 to the power 3 मीन्स 2 into 2 into 2 विच इज इक्वल टू 8, मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स इसके होंगे 8। अब आप ये श्योर हो गए कि सेट ए के 8 सबसेट्स होंगे। अब आप बारी बारी से सारे 8 सबसेट्स निकाल सकते हैं। 8 से ना एक कम होगा और ना ही एक ज्यादा होगा। कौन कौन से सबसेट्स होंगे, तो सबसे पहले सभी सबसेट्स में आप सिंगल एलिमेंट है। अगर किसी सेट में एक सिंगल एलिमेंट है तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। अगर सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो वैसे सेट को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो सबसे पहले सिंगलटन सेट फॉर्म करते हैं, सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3, ये तीनों में एक एक एलिमेंट है। उसके बाद दो दो एलिमेंट लेकर सबसेट्स बनाते हैं, 1 2 1 2 2 3 2 3 फिर 1 3 1 3। इस तरह से दो दो एलिमेंट लेके ये सबसेट्स बना सकते हैं। और उसके बाद आपने पढ़ा है कि एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है, तो वो भी एक सबसेट इसमें होगा। और एक आपने कंसेप्ट देखा है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसलिए जो दिया गया सेट है वो खुद भी क्या होता है, खुद का एक सबसेट होता है, तो उसको भी आपको लिखना है। तो इस तरह से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 सबसेट्स होते हैं। तो अब आपने सीख लिया कि किसी भी सेट ए के कितने सबसेट्स होंगे, उसका फॉर्मूला है 2 to the power n। अब हम लोग आते हैं कि पावर सेट किसे कहते हैं। तो पावर सेट है, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स होंगे उनके कलेक्शन को, उनको हम यदि एक सेट बना देंगे तो उस नए सेट को, उस नए कलेक्शन को हम लोग पावर सेट बोलेंगे। अर्थात पावर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो सारे सबसेट्स होंगे। सबसेट खुद में क्या है, एक तरह के सेट्स है। तो पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद अपने आप में क्या होते हैं, सेट्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, उसको ए का पावर सेट बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है पी ए से। अब ऊपर वाले एग्जांपल को देखें जिसमें कि ए इक्वल टू 1 2 3 है, जिसका यदि हमको पावर सेट लिखना हो तो सेट ए के जितने भी सबसेट थे यहाँ पर आप देख चुके हैं, वो सारे सबसेट्स को आप लिख दें। सारे सबसेट को आप यहाँ देखिए, 1 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3, दो दो एलिमेंट लेके सबसेट्स 1 2 1 3 2 3 फिर 5 और 1 2 3 सेट इटसेल्फ। इन सभी को हमने क्या किया, एज ए एलिमेंट एक कलेक्शन कर लिया, एक सेट के अंदर लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक सेट बन गया और इस कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, फॉर्मूला 2 to the power n, क्योंकि 2 to the power n ही सबसेट्स होंगे, जितने सबसेट्स होंगे उतना ही हमारे पावर सेट में एलिमेंट्स होंगे। तो ये फॉर्मूला सेम रहेगा, 2 to the power n जो कि नंबर ऑफ सबसेट्स का है उतना ही पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे, 2 to the power n। n क्या है, n इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं। यूनिवर्सल सेट हमेशा रिलेटिवली देखा जाता है, कॉन्टेक्स्ट के तुलना में देखा जाता है कि किस कहां पर आप बात कर रहे हैं।
जितने भी दिए गए एग्जाम्पल है, जितने भी दिए गए सेट्स है, उनके कॉन्टेक्स्ट में आपको यूनिवर्सल सेट ढूंढना रहता है। यूनिवर्सल सेट वैसा सेट है जो कि दिए गए सभी सेट्स को अपने आप में कंटेन करता है, उससे एक बड़ा सेट होता है। सो हम लोग यूनिवर्सल सेट के डिफिनेशन बनाते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल गिवेन सेट्स, जितने भी दिए गए सेट्स है उन सभी सेट्स का जो कलेक्शन होगा या उससे जो बड़ा कलेक्शन होगा वही उसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल गिवेन सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। और यूनिवर्सल सेट को हम लोग हमेशा यू से डिनोट करते हैं। इन डिफिनेशन के आधार पर हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9। इसमें सेट ए दिया हुआ है 13, उसके अंदर में एलिमेंट है 135, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 246 और सेट सी के अंदर एलिमेंट है 0, 2, 4, 6, 8। इन तीनों का यूनिवर्सल सेट पूछा गया है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स दिए गए हैं। पूछा गया 5 इसका यूनिवर्सल सेट है, नहीं 5 इम्प्टी सेट यूनिवर्सल सेट नहीं होता है क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। और यूनिवर्सल सेट में क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, वो दिए गए सभी सेट्स को कंटेन करना चाहिए। और दूसरा, जो भी एग्जांपल दिए गए हैं उसमें, जो भी आंसर्स दिए गए उसमें ये तीनों सेट कंटेन नहीं हो रहा है, तीनों सेट से कम एलिमेंट है, तो वो नहीं होगा। आपका यूनिवर्सल सेट होगा जो कि सेट ए के सारे एलिमेंट को रखेगा, 1 को भी रखेगा, 3 को भी और 5 को भी। सेट बी के सारे एलिमेंट को रखेगा, 2 को भी रखेगा, 4 को भी रखेगा और 6 को भी रखेगा। और सेट सी के भी सारे एलिमेंट्स को रखेगा, 0, 2, 4, 6 और 8 को भी रखेगा। अब ये इन तीनों का एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अलावा कोई यूनिवर्सल सेट बनाना है तो आप चाहें तो इसमें और भी नंबर आप अपने मर्जी से इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको मन है 7 ऐड करना तो 7 ऐड कर दें, और आपको मन है 9 ऐड करना 9 ऐड कर दें, आपको मन है 10 ऐड करना 10 ऐड कर दें। इससे बड़ा कुछ भी एग्जाम्पल लेंगे वो इन तीनों का क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। सो हमेशा यूनिवर्सल सेट रिलेटिवली देखा जाता है, जो दिए गए सेट है उन सभी सेट्स को वो कंटेन करता है, उन सभी को वो रखता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाए कि राइट एंगल ट्राइंगल्स का जो कलेक्शन है उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल भी एक तरह का ट्राइंगल है, उससे एक बड़ा कलेक्शन आप ले लें, उससे एक बड़ा कलेक्शन सभी ट्राइंगल्स का जो कलेक्शन होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल ट्राइंगल इज द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल्स। उसी प्रकार से एक सेट है जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल को कंटेन करता है, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, तो उसे एक बड़ा आप एक सेट ले जो कि सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल को रखता है, तो अगेन द कलेक्शन ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल ट्राइंगल्स कंटेन ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल ट्राइंगल इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट विच कंटेन्स ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। अब इसमें आखिरी टॉपिक हम लोग डील करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक आसान मेथड है जिसके द्वारा आप सेट्स के बीच में होने वाले डिफरेंट ऑपरेशंस को आसानी से समझ सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो वेन डायग्राम एक इंग्लिश लॉजिशियन हुए थे जिनका नाम था जॉन वेन, एक इंग्लिश लॉजिशियन थे जॉन वेन, उन्होंने इस डायग्राम के बारे में दिया था। ये क्या है, इस डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि रेक्टेंगल्स और सर्कल्स का यूज करते हैं। रेक्टेंगल्स यूज किया जाता है यूनिवर्सल सेट के लिए और सर्कल्स यूज किया जाता है सेट्स के लिए यूज किया जाता है। और वेन डायग्राम की मदद से सेट्स के बीच में होने वाले डिफरेंट ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन और डिफरेंट ऑपरेशन को आप आसानी से समझ सकते हैं। सो वेन डायग्राम है क्या, डिफरेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स, सेट्स के बीच में जो डिफरेंट रिलेशनशिप है, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट ऑपरेशंस कैन बी डिफरेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम, उनको डायग्राम के मदद से आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, विच आर नोन एज वेन डायग्राम, उसी को हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। इट वॉज गिवन बाई इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन, इसको कौन दिया था, इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन दिया था। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे यहाँ देखिए आप रेक्टेंगल से और इसको लिखा जाता है यू से, एंड एट से सबसेट्स, उसमें जितने भी सबसेट्स होंगे उसको लिखा जाता है सर्कल से। इसमें सबसेट्स आप देख सकते हैं, सेट ए के अंदर में 1, 2, 3 लिया गया, एक दूसरा सबसेट है जिसके अंदर में बी के अंदर 4 लिया गया है, बी के अंदर देखिए 4 है, ए के अंदर 1, 2, 3 है, और इस ए बी के अलावा भी कुछ एलिमेंट है, जैसे 5 एलिमेंट है, 5 लिखा गया है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि बी सेट में 4 एलिमेंट, केवल एलिमेंट 4 लिखा गया है, सेट ए के अंदर में एलिमेंट है 1, 2, 3 और यूनिवर्सल सेट के अंदर में ये सभी सेट्स को कंटेन करता है,
तो 1, 2, 3 और उसके अलावा 4 और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट 5, 5 के अलावा भी इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है किसी भी सेट के कितने सबसेट्स होते हैं इसके कंसेप्ट को क्लियर करना, और उसके बाद पावर सेट कैसे लिखा जाता है, पावर सेट के कितने मेंबर्स होंगे, पावर सेट में कितने सदस्य होते हैं, इसको कैसे निकाला जाता है, और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को कैसे डिफाइन किया जाता है, और वेन डायग्राम क्या है, और वेन डायग्राम की मदद से सेट्स के कैसे डिफरेंट ऑपरेशंस को हम लोग अप्लाई करते हैं, इसके मदद से आप बहुत से सेट्स के प्रॉब्लम को आप आसानी से समझ सकते हैं। आप एक्सरसाइज 1.3 इन कंसेप्ट पर आप आसानी से उसको बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि वेन डायग्राम की मदद से हम लोग कैसे डिफरेंट ऑपरेशंस को आसानी से समझते हैं। थैंक यू।